काउंटर पर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बड़ा बयान दिया है इस वक्त की बड़ी खबर। और अमिताभ यश ने यह जानकारी दी है कि हमारे पास दोनों की तस्वीर थी, सीसीटीवी फुटेज थे, कल रात ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई। एसटीएफ लगातार और लोगों को ट्रेस कर रही है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं या फिर असद अतीक को मदद पहुंचा रहे थे। ये भी अमिताभ यश ने जानकारी दी है कि ये कैसा केस है जिसमें हमने पूरी टीम झोंक दी, पूरी ताकत झोंक दी और उसी का नतीजा रहा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ट्रेस किया गया असद को और आखिरकार झांसी में जाकर घिर गया और फायरिंग के दौरान, क्रॉस फायरिंग के दौरान मारा गया अतीक का बेटा असद। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, यहीं पर असद को दफनाया जाएगा, कब्र तैयार है और इसी कब्रिस्तान में अतीक के माँ बाप यानी असद के दादा दादी को भी यहीं पर दफनाया गया था, वहां पर तैयारी है। लेकिन इस बीच बाकी लोग कहाँ हैं अतीक के परिवार के, उनको भी लगातार ट्रेस कर रही है यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ की टीम और शाइस्ता पर खास तौर से नजर भी है।